अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब मुझे सब ठीक ठाक होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल लेकिन एस पकेट तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्पेशल इस परफ्यूम पे uh, थोड़ी सी खुशबूदार होने वाला भी आज का रिव्यू जस्ट <laughs> सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं तो वीडियो बट स्टार्ट करने से पर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले एंड प्लीज गाइज प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच ओके जी जो बात करते हैं परफ्यूम की इट्स सेल्फ दिस इज को क्रिस्टल रोज को नेचुरल्स बाय एच एस वाई और ए परफ्यूम हंड्रेड एम एल ठीक है Uh, पहले तो हम इसकी मैं आपको सुना दूँ इसकी स्टोरी कि ये मैंने बाय की थी लाहौर से मैं और मेरे हस्बैंड हम गए थे एक लंबी सी डेट पे हमने सारा दिन गुजारा एम्पोरियम मॉल में हमने खूब घूमे फिरे इंजॉय किया खूब चीज़ें नई नई ट्राई की और फिर हमने मूवी भी देखी मोला जेट यस <laughs> उसके बाद जो थी ना हमने ये बाइक की परफ्यूम ये मैंने ना अच्छा अब इसकी जो है ना प्राइस प्राइस है इसकी एक्चुअल प्राइस इसकी है फोर थाउजेंड टू फिफ्टी रुपीज ठीक है और ये ऑफ पे थी इस पे फोर्टीन परसेंट ऑफ थी तो कोना चल उस ना सेल लगी हुई थी और ये ना फोर्टीन परसेंट ऑफ थी तो मुझे ये मिली थी थर्टी सेवन हंड्रेड की ठीक है फोर्टीन परसेंट ऑफ थी वहां पे सो so, प्राइस तो इसकी नॉर्मल है ठीक है ना ज्यादा मैं एक्सपेंसिव इसको बोलूंगी ना ही ज्यादा बिल्कुल मैं अफोर्डेबल बोलूंगी अच्छी नॉर्मल प्राइस है इसकी मिडिल में ठीक है Uh, बात करेंगे इसकी पैकिंग की तो पैकिंग भी काफी अच्छी हुई थी इस पर ठीक है मैंने अब इसको ओपन तो कर लिया हुआ है ठीक है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसको हम खोलेंगे स्टोर जो है ना बैक स्टोरी वो मैंने आपको इसकी सुना दी है कि असल में ना ये इस आई कैसे ठीक है जी ये खोल क्यों नहीं रही ये नीचे से खुलेगी अच्छा नहीं यहां से खुलेगी सॉरी भाई कंफ्यूज हो जाते हैं हम अच्छा ओके यहाँ से ये खुलेगी पैकिंग काफी प्यारी है पिंकी पिंकी ठीक है और वैसे ही इसके ऊपर जो है ना इसे ज्यादा तो यहाँ पे ना और पीछे भी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप इसको एक्सटर्नल यूज सिर्फ कर सकते हैं और ये फ्लेमेबल भी प्रोडक्ट है तो आप इसको उस लिहाज से हीट वगैरह से दूर रखें ठीक है बेसिक सी लाइने के ऊपर लिखी है अब हम इसको कर लेंगे ओपन आ, काफी क्यूट पिंकी सा कलर है और लुक एट द डायमंड शेप जो इसका लिड है उसको देखें जरा वाओ अच्छा तो अब हम देखते हैं इसकी पैकिंग पैकिंग देखिए कितनी ऑसम कितनी क्यूट है ये डायमंड शेप का इसका जो है ऊपर कैप है और पिंकी परफ्यूम है और इसपे सिल्वर कलर से ना लिखा हुआ है बिल्कुल लाइट पिंक कलर की परफ्यूम है और इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस्टल रोज को नेचुरल वाई एच एस वाई एंड रियली 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 वेरी क्यूट पैकिंग ठीक है इसकी पैकिंग देखें मुझे ज्यादा ना पसंद आई थी और इसको मैंने ऑनलाइन में इसको मैंने देखा हुआ था आई लाइक डिट बाई दैकिंग बट मैं इसको ना एक दफा टेस्ट करना चाहती थी ना कि ये एक्चुअल में कैसी होगी सो so, यप yep. अच्छा अब हम इसकी परफ्यूम की बात करेंगे तो ये ऐसे इसका लिट ओपन होता है ठीक है और जो पम्प क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है और इसको मैंने स्प्रे किया आई विश कि आप इसकी स्प्रे जो है ना वो चेक कर सकते हो माय गॉड बहुत ही अच्छे इसकी परफ्यूम है बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है मेरे कलेक्शन की ना ये अब तक की बेस्ट परफ्यूम है एंड वन ऑफ द मतलब कि ना मेरी uh, मेरे जो कलेक्शन है ना उसके बेस्ट परफ्यूम है ये uh, टॉप पे आ जाती है ना मेरे कलेक्शन के और आई लाइक इट सो 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 मच बहुत ज्यादा स्वीटी भी नहीं है बहुत ज्यादा फ्लोरल फ्लोरल भी नहीं है मिडिल में है ठीक है टॉप नोट नोट्स और हार्ड नोट्स वगैरह के बारे में मुझे ऐसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उनको कैसे करते हैं बट वैसे मैं आपको बेसिक बता दूँ मैंने जो पढ़ा था तो इसके पीछी नोट्स थे जो है और फ्लोरल uh, भी थे लिली भी इसमें मतलब लिली का भी नोट था इसमें और उसके अलावा मस्की और वुडी सब ये ना मिक्स नोट्स है ठीक है अब ज्यादा डिटेल जो है वो मुझे इसकी नहीं पता आप उसको चेकआउट कर सकते हैं आपको ज़्यादा नॉलेज होती है तो बट मुझे जो है ना ये परफ्यूम बहुत अच्छी लगी है ठीक है मैं आपको बताऊँगी बहुत ज़्यादा स्वीटी भी नहीं है बहुत ज्यादा फ्लोरली भी नहीं है मिडल में है और ना ही बहुत ज्यादा शार्प है कि अचानक से जैसे कुछ सेंस होती है ना जो शार्प होती है बहुत ज्यादा अप्लाई करते साथ ही एकदम से बस लगती है वो चीज़ नहीं है मतलब बहुत ही ना जैसे मैनेज्ड परफ्यूम होती है ना आप उसको वो कह लें कि अंडर कंट्रोल जो परफ्यूम होती है तेज भी है नहीं भी है बहुत ज्यादा भी नहीं लगती मधुर जिसको आप कह लें मुझे ना ये लफ्ज पता नहीं क्यों याद आए ये फ्रेगरेंस मिल गया ना मधुर खुशबू जिसको आप कह लेंगे वो चीज़ है बहुत ही अच्छी और ना जैसे कि मिक्स मिक्स है खट हल्की सी ना स्पाइसी लगती है मतलब हाँ मैंने अब दोबारा फ्रेगरेंस चेक किया ना हल्की सी फ, आ, स्पाइसी लगती है जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो आ, जो बेस नोट्स है ना जो टॉप नोट्स है उनमें पीची भी पीच भी है तो इसलिए मुझे ना वो हल्की सी सी लगती है थोड़ा सा बीच में ना फ्लेवर आता है सो so, मैं इतनी कोई प्रो नहीं हूँ भाई परफ्यूम्स को डिफाइन करने में बट मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं है बहुत ज्यादा फ्लोरली भी नहीं है समवेयर इन द मिडल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और और लॉन्ग लास्टिंग तो सुपर है भाई आई वाज सो अमेज कि ये ना एट टू टेन आवर्स तक लॉन्ग मतलब थी जो इसकी मतलब ज्यादा वाली जो फ्रेगरेंस है ना जो सबको इर्द गिर्द वालों को आए वो उसकी उसकी है जो लाइफ है ना वो सिक्स आवर्स की है ठीक है और एक होता है ना कि जब आपको अपने आप से आती रहे जो अपने आप से जो आती है ना फ्रेगरेंस वो इसकी लाइफ है रिकमेंडेड है इसकी प्राइस भी अच्छी है पैकिंग तो सोने पे सुहागे का काम ही कर रही है और उसके अलावा जो परफ्यूम भी है वो भी अच्छी है सेंट भी अच्छी है और एट द सेम टाइम इसकी लास्टिंग पावर भी बहुत अच्छी है सो आई थिंक इट इज अ रियली वेरी मतलब सो uh, so, मेरे मुताबिक ये तो एक स्टील ही है भाई आई थिंक आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए यू शुड ट्राई इट मैं आपको फोर्स कर रही हूँ तो मेरी तरफ से तो ये टेन ऑन टेन है और एक परफेक्ट 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 गिफ्ट है अगर आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं अपनी वाइफ को या अपनी मामा को या अपने फ्रेंड को किसी को भी देना चाहते हैं अगर जेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने वाइफ बोला ओके okay? तो भाई ये ना एक परफेक्ट गिफ्ट है जो कि आप अपने ना मतलब किसी को भी फ्रेंड वगैरह को दे सकते हैं बहुत ही अच्छी परफ्यूम है और मतलब कि मेरी जो टॉप लिस्ट में ना ये आ गई है आई लाइक इट सो 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 मच और उसके अलावा जो पैकिंग भी है इसकी वो भी आउटस्टैंडिंग है यार ये इतनी क्यूट और इतनी अच्छी लगती है ना कि बस मैं क्या बताऊँ बहुत ही अच्छी परफ्यूम है इन्होंने कौन है ने काफी अच्छा वर्क किया मेरे पास इनकी रेड वाली भी है वो भी बहुत अच्छी है बट वो ना थोड़ी सी रोमांटिक साइड पे है वो भी है मिडल मेन बहुत ज्यादा अच्छा इनकी फ्रेगरेंस की कि ये एक खास बात है कि इनकी ना बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही मैनेज फ्रेगरेंस है यानी कि बहुत ज्यादा स्वीटी भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लोरल भी नहीं है और ना बहुत ज्यादा वो जो एक चुभने वाली होती है ना वो भी नहीं है बहुत ही मैनेज परफ्यूम है वो वाली जो रेड वाली जो इनकी फॉर एवर लव है वो थोड़ी सी ना रोमांटिक साइड पे मैंने उसका भी रिव्यू किया था अपने चैनल पे मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में ना आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो बट मुझे वो पहले तो मेरी ना वो फेवरेट हो गई थी बट जब मैंने ये ली ना मेरी अब ये वाली फेवरेट होगी आई लाइक दिस परफ्यूम सो मच और डिजायर भी थी वहां पे मैंने वो भी टेस्ट की थी बट मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी और एट द एंड ऑफ द डे फ्रेगनेंस की ना एक अपने अपनी अपनी चॉइस होती है एक अपनी अपनी सेंस होती है जैसे एक एक अपना अपना टेस्ट होता है तो उस लिहाज से ना फ्रेगनेंस में हम चूज करते हैं तो जो मुझे शायद इतनी अच्छी लग रही है आपको शायद इतनी अच्छी ना लगे बट इट इट्स ओके ठीक है ना तो ये अपना अपना फ्लेवर होता है अपनी अपनी सेंस होती है बट uh, मैं अगर आपको कहूँ ना कि आप इसको ट्राई करो तो आई थिंक ये डेफिनेटली आपको ना पसंद आएगी ये ऐसी परफ्यूम है अगर मैं इसको वन लाइन में डिस्क्राइब करूँ ना तो एक ऐसी परफ्यूम है जैसे के सफिस्टिकेटेड uh, आप इसको कह लें ठीक है कोई बहुत ही डिसेंट से बंदे ने लगाई हो ये ऐसी परफ्यूम है ठीक हो गया अब इससे ज्यादा मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती सो यप सो यू गाई शुड ट्राई इट ओके तो जो है और बेस्ट बात यह कि आप इसको डे में भी लगा सकते हैं और नाइट में भी लगा सकते हैं ठीक है ये दोनों टाइम में ही चल जाएगी मुझे कोई ऐसे जिसकी फ्रेगरेंस वो नहीं लगी स्पेशली कि नहीं जी ये रात में ही लगेगी या ये दिन में ही लगेगी ये आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं आई लाइक डिट रियली वेरी मच भाई आप देख रहे हैं ना मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि, कि वाकई में मुझे बहुत पसंद है और अब मैंने दोबारा स्प्रे भी किया ना तो वो जैसे जैसे मैं इसको फील कर रही हूँ ना सेंस कर रही हूँ तो मुझे आ रहा है कि नहीं आई लाइक डिट वेरी मच आई लाइक डिट वेरी मच सो ठीक है ये ना मेरा मैंने इसको स्पॉन्सर नहीं है ठीक है मैंने इसको बाय किया ठीक है मैंने इसके पैसे दिए आई इट आई पे फॉर इट और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आई होप कि यू लाइक इट इफ़ यू लाइक इट प्लीज कि थम्स अप बल्कि नहीं भी पसंद है ना तो भी आपको थम्स अप तो देना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा मेरे चैनल को भाई थैंक प्लीज गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो तुम लोग बहुत कठोर मतलब मुझे पता नहीं क्यों आज हिंदी वर्ड्स ही आ रहे हैं तुम लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट हो यार वीडियो देखते भी हो बट प्लीज यार उसको साथ सब्सक्राइब भी किया कीजिए किया, एक से दो सेकेंड लगते हैं भाई सब्सक्राइब करने में चैनल उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता ठीक है तो इसको मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब भी करो प्लीज़ आई नीड योर गाइज हेल्प अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं ट्राईपॉर्ड भी मैंने लेना है तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ट्राईपॉड लूंगी ठीक है सो दिस इज इट फॉर टू डे वीडियो यू लाइक इट प्लेट प्लीज गिव इट अ थम्सअ इफ यू डोंट टो भी थम्ज अप तो करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को ठीक है मिलेंगे ने फिर नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज